ट्विंकल क्या कर रहा तू यार? ट्विंकल कहाँ है? उसी को तो ढूंढने यहाँ पे आया हूँ मैं। अब कौन सा नया प्लान चल रहा है तेरे दिमाग में? युवराज लूथरा और उसका शातिर दिमाग। बैक टू वर्क। शट अप। मैं भी ट्विंकल को ढूंढने यहाँ पे आया हूँ। कोई बकवास नहीं कर रहा यहाँ पे खड़े होके। वो मैंने उसकी आवाज सुनी थी, शीज इन डीप ट्रबल। वो मुझे पुकार रही थी, तभी मैं उसे ढूंढने यहाँ पे आया था। वो मिली नहीं। ट्विंकल ने मुझे आवाज दी थी। आई हर्ड इट मायसेल्फ। ऑलरेडी। सो व्हाट डिड यू डू? तू उसे बचाने गया? ओह क्या राइट। बचाने कैसे जाते? तू तो मेरा पीछा करने में बिजी था, है ना? तू बड़ा काम कर रहा था, बड़ा काम कर रहा था। तो बता ना, ट्विंकल कहाँ? एटलीस्ट मैं काम तो कर रहा था ना, ढूंढ तो रहा था ना उसे। और तू क्या कर रहा था? टाइम वेस्ट। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, तू टाइम वेस्ट कर। ट्विंकल मिली क्या? Both of you have to help me to find her. वैसे तो आई कांट स्टैंड दिस गाय, बट फॉर ट्विंकल लेट्स डू दिस टुगेदर। ओनली फॉर ट्विंकल। लेकिन सबसे पहले मुझे उस वेटर की क्लास लगानी है। उसे डेफिनेटली पता होगा कि ट्विंकल कहां पे है। बोल क्या हुआ झांसी की रानी? बहुत शौक था ना हमें मारने का, अब हाथ लगाओ डार्लिंग। बच्चा छोड़। As you wish. लाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरी को छुआ, मेरी को छुआ, मेरी को छुआ, मेरी हाँ, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उठो। सिटिया, सिटिया। मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरी को छुआ, मेरी को छुआ, मेरी। ये क्या ट्विस्ट है? तो इतने हैंडसम लड़के और दोनों तेरे हस्बैंड? यू रियली नीडेड अ हॉलिडे बट लाइक रियली टू हस्बैंड्स? मेरी जिंदगी इन दोनों की वजह से इतनी उलझ सी गई है ना सोनिया। किस्मत ने मेरे साथ इतना ट्विस्टेड जोक खेला ना कि ये फनी भी नहीं। तुझे पता एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लड़कियों को ना बचपन से ही सिखाया जाता है हमेशा अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को और फिर अपने हस्बैंड की फैमिली को, इन सबको खुद से ज्यादा आगे रखो, इनकी ज्यादा खुद परवाह करो और हमारी प्रॉब्लम से हमें खुद ही डील करना होता है। हमारे लिए कोई नहीं होता, लेकिन हमें भी गिरते पड़ते समझ आ ही जाता है ना कि हमें लाइफ में क्या करना है। वैसे ही मुझे भी अब समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, ऐसे ही आते रहा करो, मेरा भी मन लगा रहता है। वैसे तुम इतने दिन गई कहाँ थी? तुमने इतना सब कुछ किया हमारे कुंज के लिए, उसकी जान बचाई, उसे सहारा दिया, गोवा में अपना जॉब तक छोड़ दिया और हम तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाए। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? आप मेरी माँ जैसी हैं। ये थैंक यू की फॉर्मेलिटी मत कीजिए प्लीज।
मुझे और ट्विंकल इतने सालों बाद मिले थे तो मुझे लगा उन्हें स्पेस देना चाहिए बस। वैसे आंटी कुंज मसूरी से कब तक आने वाला है? आता ही होगा। अच्छा तो ठंड रख पुत्र, ट्विंकल ने तेनु थोड़ा वक्त ही मांगा है ना, भरोसा रख पुत्र, वो सही फैसला लेगी। टाइम की तो प्रॉब्लम है लीला माँ, कहीं इस बीच वो कुंज बाजी मार गया तो आई हैव टू बी अलर्ट। वैसे ट्विंकल है किथे? मसूरी में ही है कि वहां से निकल चुकी है। एक बार उसके होटल फोन लगा कर देख पुत्र, उसका सेल फोन नहीं लग रहा है। लीला माँ डोंट वरी, मैं अभी अपने आदमी को कॉल करता हूँ और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ ट्विंकल की। हाँ पुत्र। उसकी दोस्त सोनिया भी उसके साथ है, अगर सोनिया की इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी तो इसका मतलब ट्विंकल की भी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाएगी। ओके हाँ सुन, एक काम है अर्जेंट। कुछ बेटा कुछ खा ले। माँ मैं बाद में खा लूँ, मुझे ट्विंकल को ढूंढने जाना है। अरे वो आ जाएगी, बच्ची थोड़ी ना है। कुंज व्हाट, खबर पक्की है? यू श्योर? ठीक है, कॉल यू बैक। लीला मां क्राइसिस, मेरे आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी है, वो सोनिया है ना, वो एक्चुअली एक ड्रग पेडलर है। पर आज अमृतसर के कॉलेज में, सिटी कॉलेज में कुछ बड़ा कांड करने वाली है, समथिंग बिग। हाय ओ रब्बा, और ट्विंकल उसके साथ है जी। अब क्या होगा? लीला मां हमें फौरन सिटी कॉलेज जाना पड़ेगा। आई एम श्योर सोनिया ट्विंकल को लेके वहीं पे गई हुई है। हां पुत्र, जल्दी जल्दी चल, आइए जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। चलो लीला मां, ट्विंकल, 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 क्या समझती है तू खुद को? हाँ शर्म नहीं आती तुझे? खुद तो गलत रास्ते पर निकल पड़ी है और मेरी कुड़ी नू भी ड्रग्स के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है तू। किसने बोला तुझे कि ये ड्रग पेडलर है? ये सब तूने ही बताया ना माँ, तेरा दिमाग खराब है। सोनिया यहाँ सिर्फ मेरी हेल्प करने आई थी ताकि वो मेरा कॉलेज में। माँ मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, एक्चुअली बात ये है कि तंग आ गई हूँ मैं सोनिया अपनी जिंदगी से, कभी यूवी से तो कभी कुंज से, इतने प्रेशर्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम जस्ट फेड अप। मैंने डिसाइड कर लिया सोनिया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, एक स्टेबिलिटी चाहती हूँ अपने करियर में, सबको प्रूव कर देना चाहती हूँ कि मुझे किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत नहीं है अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है, अब साल के इस टाइम मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि सब कॉलेजेस का टर्म शुरू हो गया। ओके लिसन, अमृतसर के एक कॉलेज में मेरा एक जैक है, सो तुम्हारा काम हो जाएगा, एंड आई प्रॉमिस यू। इसलिए सोनिया बस मेरी हेल्प करे, उसका एक कॉन्टैक्ट है जिसके थ्रू वो मेरा एडमिशन कराने वाली थी इस कॉलेज में। मैंने भी माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। वो क्या है ना, ले देकर मेरी एक कुड़ी ही है मेरे पास, मेरी ट्विंकल, यही मेरा सब कुछ है। जब मैंने ड्रग्स की बात सुनी ना तो मैं बहुत घबरा गई थी। इस वास्ते मैंने तेनू सॉरी पुत्र। नहीं आंटी आप ऐसा मत कहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही रहती हैं, और फिर मैं और ट्विंकल कब इतने अच्छे दोस्त बन गए समझ में ही नहीं आया। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प हर। सर सर देखिए सर कौन आ रहा है सर। अरे रॉकी जी आइए आइए, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। It's really honor to meet you. Rocky जी, अगर आपके पास टाइम है तो इन बच्चों को ट्रेन करिए, इट विल बी ह्यूज थिंग फॉर देम। सर आई वुड हैव रियली लव टू, लेकिन अभी आई डोंट हैव द राइट टाइम, प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम। और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं पहुंचना है, आई एम रियली सॉरी।
Bye, guys. Twinkle? लेकिन ट्विंकल यहां क्या कर रही है? और वो आदमी, इसका मतलब वो आदमी ट्विंकल के लिए एडमिशन की बात कर रहा था। मुझे अपनी एजुकेशन के साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब मुझे किसी एक आदमी या किसी एक चीज पे अपनी लाइफ में डिपेंड नहीं होना, मुझे आगे बढ़ना। जैसा तेनु ठीक लगे पुत्र वही कर। एक मिनट तू रुक, मैं देखती हूँ। यस हेलो मैम, ये ट्विंकल जी के लिए। आप अच्छा वहां रख दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। पुत्र किसने भेजा है? जरूर ये कुंज ने भेजे। कुंज समझता क्यों नहीं है कि मुझे उससे बात नहीं करनी? आई थिंक एक बार तो मुझे कुंज से बात करनी पड़ेगी। ट्विंकल, थैंक गॉड ट्विंकल कि तूने मुझे कॉल किया। मैं बस तुझे कुंज, तुम समझते क्यों नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम सबसे दूर रहना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम फूल भेजोगे और एक पल में मेरा मन बदल जाएगा क्या? मेरा डिसीजन बदल जाएगा? हाँ? What flowers? Twinkle, मैंने तुझे कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। तुमने मुझे कोई फ्लावर्स नहीं भेजे? आंटी लाइए, मैं कर देती। अरे पल्लवी बेटा, तुम मेहमान हो, तुम रहने दो, मुझे दो। आंटी मैं तो इस घर को अपना समझ रही थी, आपने तो पराया कर दिया। अरे नहीं, आप बस वहां खड़ी रहिए और बताइए कि क्या करना है। वैसे पल्लवी बेटा, बुरा ना माना तो एक बात पूछूं। कौस पूछिए आंटी। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आंटी मैरिज मटेरियल होने का क्या फायदा, अच्छे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। तो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? कुंज के जैसा। I mean, आंटी, he's perfect. अच्छी फैमिली, अच्छा करियर और उसका नेचर भी कितना अच्छा है ना। लड़कियों की इज्जत करता है, समझदार, सुलझा हुआ, अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। I mean, अगर मुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना तो मैं तो उसे कहीं ना जाने दूं। यूवी, मैं अभी तुझसे बात नहीं कर सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। ट्विंकल बस दो सेकंड मेरी बात सुन ले प्लीज। I just want to say कि मैं तेरी लाइफ से बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। और मैं तुझे किसी बात के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहता यार। वैसे भी वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को बड़ी शिद्दत से चाहो तो उसे आजाद कर, अगर वापस आया तो समझ लो आपका, वरना वो कभी आपका था ही नहीं। और इसीलिए ट्विंकल हम लेचिंगी को, but please remember one thing, I will always love you. But tera jo bhi decision rahega na Twink, I will always and always support you. Just remember this. Okay, take care. Bye. Ek UV hai jo meri khushi और मेरी फ्रीडम की खातिर मुझे स्पेस देने के लिए रेडी हो गया और खुशी खुशी दूर जा रहा है। और एक कुंज है जो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ी स्पेस और थोड़ा टाइम चाहिए। थैंक यू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच रॉकी जी,
आपने हमारे बच्चों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली। इट्स माय प्लेजर सर। आपकी क्लासेस की हमने अरेंजमेंट है ना स्पोर्ट्स रूम में करती है। ठीक। क्यों? गाना सुनने का बहुत शौक है, रेडियो पे सुन लो ना। ओ हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने शायद तुम्हें पॉकेट मनी दे दी होगी, राइट? इट्स ओके, हम क्लास में चलते हैं। नहीं नहीं, जरा मैं इनको ठीक से सबक तो सिखाऊं, इनसे बात तो करूं। हाँ, गाना सुनने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? तुम्हें आता है गाना? तो जरा तुम गा के सुनो, तुम जरा एंटरटेन करो हम सबको। सब, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। Yeah, I'll be back. Sure. अरे रॉकी सर, क्या हो रहा है? कॉलेज टाइम पास करने आते हो? 5 मिनट, 5 मिनट में मुझे सब किक बॉक्सिंग रूम में चाहिए। कम ऑन, मूव। यस सर। ओके सर। सर, आपने मुझे बुलाया क्या? आज सुबह कुछ लोग कॉलेज में तुम्हें बुली कर रहे थे। आई ट्रेन यू, तुम्हें इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि कोई तुमसे उलझने की कोशिश भी नहीं करेगा। Wear these gloves. Come on, Peno. Come on. Hit me. Come on, Jesse. Yep. क्या कह रहे हो? आपको कैसे मार सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ. Sir. Come on, hit me. सर मैं हीरो तो ही ना हूँ सर, मैं तो जीरो। वास बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। कम ऑन सर, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ सर? पंच, कम ऑन सर, प्लीज मुझे वायलेंस हैंडल नहीं होता सर। सब आ जाएगा, कम ऑन। नहीं नहीं सर, जैसा मैं कह रहा हूँ, कम ऑन, यू गॉट बी स्ट्रांग। सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। कम ऑन पंच मी। रुको, चल, I'll take your leave now. Bye. किसी महान पुरुष ने मुझसे एक बार एक ज्ञान बांटा था। कहा था कि लड़की की ना मतलब ना होती। रिमेम्बर? तेरी वर्ड्स थे ना? जो वर्ड्स सुन के मुझे तो समझ में आ गई, लेकिन तू शायद भूल गई। लड़की की ना मतलब ना, तेरे समझ में नहीं आती क्या? जब ट्विंकल ने एक बार बोल दिया कि टाइम और स्पेस चाहिए उसे, तो मतलब चाहिए। मुझे अपने आदमियों से पता चला है कि तू ट्विंकल को फॉलो करते हुए उसके इंस्टीट्यूट गया था। वैसे यू नो व्हाट, ऐसे लड़कों को पता है क्या कहते हैं? ऐसे लड़कों को स्टॉकर्स कहते हैं। स्टॉकर्स एंड गर्ल्स हेट स्टॉकर्स। दैट्स टोटली अनकूल एंड अ क्राइम। संभल जा और सुधर जा, मान ले मेरी बात। क्राइम? लुक हू इज स्टॉकिंग। और तू कौन सा दूध का धुला है? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो तू भी प्लान कर रहा होगा। कम ऑन, टेल मी, आखिर तेरे शातिर दिमाग में चल क्या रहा है? सर, ये तो बहुत, अरे कुंज बेटा देख तो सही कौन आया है।
Hi Pallavi. Hi Kunj. How was your day? It was good. मैं चेंज करके आता हूँ. वो टिफिन मत. ये कैसे करके? ट्विंकल का आई कार्ड. अब हाँ. तुम लोग एक ही इंस्टीट्यूट में हो क्या? या पुंज, प्लीज डोंट माइंड. एज अ फ्रेंड आई हैव टू से दिस. तुम एक इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हो, एक छोटे से इंस्टीट्यूट में बॉक्सिंग कोच क्यों बन गए? कुंज, ट्विंकल के पीछे अपने करियर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है. पल्लवी ठीक कह रही है बेटा, ये कोचिंग की नौकरी तुमने ट्विंकल की वजह से ही ली है. क्या जरूरत थी ऐसा करने की? उस ट्विंकल का ना भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है. ना वो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती है, ना तुम्हें छोड़कर जाती है. तुम ही उसे भूल क्यों नहीं जाते? माँ आप नहीं समझोगी. पल्लवी, ट्विंकल, ये दीदी रॉकी सर की गर्लफ्रेंड है क्या? वाओ, क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों? जैसी तुम्हारी स्कूटी दो लोगों का वेट ले लेगी. हाँ, तुम चला लोगे मुझे बिठा के? Actually, मैंने कभी किसी को बैठ के चलाया नहीं. क्या तुम्हें डबल राइडिंग नहीं आती? तो फिर तुम क्यों आए? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और कल तुमने मुझे बुली होने से बचाया था, इसीलिए. इट्स ओके, तुम पीछे बैठो, मैं चलाती हूँ. ओके? क्या? तुम चलाओगी? हाँ, मैं चलाऊंगी. चलो. तुम चला लोगी ना? हाँ बाबा, मैं ट्विंकल तनेजा हूँ, मैं सब कर सकती हूँ. पक्का? पक्का. राम 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 राम. सो हॉट यार. सर, रॉकी सर. सॉरी, आगे तुम लोग. यस सर. जस्सी नहीं आया? मैंने उसे कहा था बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए. सर, जस्सी ने सालसा ज्वाइन कर लिया अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉडीगार्ड ट्विंकल के साथ. सर, आज आपने उनकी एंट्री देखी थी इंस्टीट्यूट पे? ट्विंकल स्कूटी चला रही थी और वो उसके पीछे बैठा हुआ था, वो भी सर लड़कियों की तरह पकड़ कर. सर, तो स्कूटी चलाने तो आती नहीं, बॉक्सिंग क्या करेगा वो? ओके, कम ऑन, क्वाइट. चलो वार्म अप शुरू करो. देख ट्विंकल, मेरी बात सुन. दूर हटो मुझसे. क्यों समझो मैं तुम्हारी बात? क्यों सुनू? तुम मेरी बात सुनते हो? तुम मेरी बात समझते हो? हटो यहां से.
दरवाजा किसने लॉक किया? खोलो, खोलो। रॉकी सर, जैसा आपने कहा था वैसे मैंने कर दिया, डोर लॉक कर दिया है सर। मैंने मैंने कब कहा दरवाजा बंद करने के लिए? कौन है? दरवाजा खोलो। ट्विंकल, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरवाजा किसने बंद किया? खोलो इसे, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? सेल्फ डिफेंस की जरूरत अब तुझे पड़ने वाली है कुंज सरना, क्योंकि ये अब तुझे ऐसा सालसा करवाएगा, तुझसे ऐसा सालसा करवाएगा कि तू हमेशा के लिए अपनी बॉक्सिंग भूल जाएगा। तू ट्विंकल से इतना चिपक रहा था, ट्विंकल को तुझसे स्पेस चाहिए थी ना, लेकिन तू तो मैग्नेट की तरह उससे चिपक गया, छोड़ ही नहीं रहा उसे। अब इस पूरे इंस्टीट्यूट में ऐसे रूमर्स फैलेंगे कि ट्विंकल तेरी शक्ल से भी नफरत करेगी। ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट। तो माय डियर कुंज सर, उर्फ रॉकी द ग्रेट इंटरनेशनल बॉक्सर, तो बहुत जल्द हारने वाला खिलाड़ी बनने वाला है। दरवाजा खोलो।